अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने देखे सबक नंबर 10 में कसर का मफहूम। क्या देखे हमने? कसर का मफहूम। क्या कसर किसे कहते हैं? अब हम देखेंगे उसके बाद आम कसर। आम कसर यानी क्या भाई? तो देखेंगे हम कि हमारे पास ये एक पट्टी है। क्या है हमारे पास? है पट्टी। शाबाश। अब इस पट्टी के हमने कितने हिस्से किए? एक, दो, तीन, ये चार। इस पट्टी के हमने चार हिस्से किए। उसमें से हमने इन दो हिस्सों को रंगीन कर दिया। क्या किया? इन दो हिस्सों को रंगीन कर दिया। अब हमारे पास कुल चार हिस्से हैं। कितने हैं? चार। तो हमें यह मालूम है कि हम कुल जितनी चीज होती है उसे नसब नुमा में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? नसब नुमा में। और उसमें से जितने हिस्से लिए उतने शुमार को निंदा में लिखते हैं। तो कसर क्या बनी? 2/4। यानी चार हिस्सों में से हमने दो हिस्से लिए। तो ये हुई हमारी आम कसर। इसी तरह से हमारे पास एक मुरब्बा है। इस मुरब्बे के हमने चार मसावी हिस्से किए। कितने हिस्से किए? चार मसावी हिस्से किए। इसमें से हमने इन दो हिस्सों में क्या किए? रंग भरे। फिर और ये तीसरे हिस्से में भी रंग भर दिए। यानी हमारे पास जो है वो इस मुरब्बे के चार हिस्से हैं, जिसमें से हमने तीन हिस्सों को रंगीन कर दिया। तो हमारे पास एक हिस्सा बाकी है। तो हम इसे कसर की सूरत में कैसा लिखेंगे? कुल कितने हिस्से हैं? चार। वो लिखेंगे नसब नुमा में। और कितने हिस्से उसमें से लिए? तीन। वो लिखेंगे शुमार को निंदा में। तो हमारे पास कसर बनी 3/4। यानी चार में से हमने तीन हिस्से लिए। तो ये जो कसर है हमारे पास, ये आम कसर है। अब इसके बाद हम देखेंगे मुरक्कब कसर। क्या देखेंगे अब? मुरक्कब कसर। अब मुरक्कब कसर यानी क्या? तो हमारे पास ये अमरूद है। क्या है हमारे पास? ये अमरूद। अब हमारे पास ये कितने अमरूद है भाई? हमारे पास ये तीन अमरूद है। कितने अमरूद है? हाँ, शाबाश, तीन अमरूद। अब ये जो तीन अमरूद है, इन तीनों अमरूद में से हमें क्या करना है? इन तीनों अमरूद में से हमें बराबर बराबर दो लोगों को तकसीम करना। इन तीनों अमरूद में से हमें बराबर हिस्सों में दो लोगों को बांटना है। अब हम क्या करेंगे? इसमें से सबसे पहले एक एक अमरूद दो लोगों को तकसीम कर देंगे। क्या करेंगे? एक एक अमरूद दो लोगों में तकसीम कर देंगे। ये देखो, ये एक अमरूद एक को दे दिए और ये दूसरा अमरूद दूसरे इंसान को दिए हमने। अब ये जो है दोनों शख्स, तो इनको एक एक अमरूद तो मिल गया। अब बचा ये अमरूद, गया ये, गया अब ये अमरूद बच गया हमारे पास। तो इस अमरूद के हमने बराबर बराबर दो हिस्से किए। इस शख्स को आधा दे दिए और इस शख्स को आधा दे दी। यानी इस शख्स को कितना अमरूद मिला? एक। और आधा जो अमरूद है उसको हम लिखेंगे
दो। और इस शख्स को भी जो मिला तो इसे भी हमने एक लिखे। अब ये जो आधा इसे मिला इसको लिखेंगे एक बटे दो, यानी एक सही एक बटे दो। इस तरह पढ़ेंगे इसे, एक सही एक बटे दो। इसे भी क्या पढ़ेंगे हम, एक सही एक बटे दो, यानी ये हुआ देव। अब ये जो देव है इसको हम लिखते हैं कसर की सूरत में, देव यानी एक सही एक बटे दो। अब हमारे पास ये जो देव है इसको हमने मुरक्कब कसर कहा। कौन सी कसर कहा? मुरक्कब कसर। और ये जो कसरे है हमारे पास ये आम कसर है, तो हमने इस तरह मुरक्कब कसर और आम कसर दोनों मालूम करें।